एक पढ़े लिखे राजा राम जी के काम नहीं आए। योग वासिष्ठ सुना अपने गुरु से भगवान राम ने, लीला है। योग वासिष्ठ के बाद आज राज्याभिषेक होना था, कल बन जाना पड़ा, चेहरे पे सिकन तक नहीं है। जहां से सीता जी का हरण हुआ वहां उनका ननिहाल था, उसी के पास में महाकौशल। क्या वहां के राजा इनकी मदद नहीं कर सकते थे? बुलवाया उनको। जिस जिस रास्ते से गुजरे क्या सारे साम्राज्य खत्म हो गए थे? राजाओं के नाम बता दूं कौन कौन से राज्य थे वहां पर? क्या राम जी ने किसी को याद किया, किसी को बुलाया, किसे याद किया? भारत देश के जिनको तुम अनपढ़ कहते हो, उन कोल भील वनवासियों को याद किया और उनके सहारे लंका पर जाकर के विजय प्राप्त करके सीता को वापस लाया, उनको अपनाया, जो वंचित थे, जिन्हें तुम वंचित कहते हो, उनको गले लगाया। परमात्मा ने किसी राजा से दोस्ती नहीं की, किसी को बुलाया नहीं, किसी को खबर नहीं किया, उन वंचितों के लिए, उनके लिए। एक मिनट का काम था बाली के लिए, जिसने रावण को अपने कांख के नीचे दबा के रखा था। ऐसे ऐसे रावण एक बार यहां से सिर्फ टेलीफोन करवाता, हेलो मैं बाली बोल रहा हूं, रावण बोल रहा हूं, कोई जानकी को वापस कर दे। बस हुजूर, पांच मिनट में, पांच मिनट। थरथराता वो रावण बाली के डर से, सहस्त्रबाहु ने हराया रावण को, घुड़साल में बांध के रखा था, घोड़ों का खिलौना बना के रखा था रावण को। कोई रावण कोई अपराजेय योद्धा है क्या? चाहते तो एक मिनट में, भक्ति में भी बाली कम भक्ति नहीं करता था। आप पढ़ लो रामायण। बोला मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, प्रभु मैं कौन सा आपका बैरी था? कही कारण मोहिना तुम्हारा किस लिए? पर वो राम है, राम है। तुम्हारे ये तथाकथित भौतिक समृद्धि के लिए नहीं। विवेकानंद से जब तीन दिन तक उन्होंने अमेरिका में धूम मच गई, तो एक बड़े जेंटलमैन लोग आए। बोला स्वामी जी सब ठीक है, बट आपका कपड़ा ये सब थोड़ा जेंटलमैन के जैसे, आपका इतना नाम हो गया, वस्त्र थोड़ा ठीक पहना कीजिए। विवेकानंद ने कितना प्यारा उत्तर दिया, बोला मैं उस देश का वासी हूं जहां वस्त्र से नहीं चरित्र से लोगों की पहचान होती है। और मैं व्यासपीठ पर और काशी में बैठ कर कहता हूं, इस पवित्र धाम की सौगंध लेकर कहता हूं, होंगे हजारों देश पर मैं सत्य कहता हूं, सुनो भारतवासियों, आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति के 18 डॉक्टरों की टीम में 13-13 डॉक्टर मेरे भारत के ही बेटे बेटियां हैं। पेंटागन चलाने वाले भारत के मेरे बच्चे हैं। अरे इंफोटेक चलाने वाले मेरे भारत के बेटे बेटियां हैं। मैं सत्य शपथ लेके कहता हूं, हजारों देश हो जाएं, लेकिन मेरे भारत से महान कोई नहीं हो सकता, इस संस्कृति से महान कोई नहीं हो सकता। उनको जरूरत पड़ती है हमारी, पेंटागन को हमारी जरूरत है, इंफोटेक को हमारी जरूरत है, और आप का इतना आकर्षण, इतना आकर्षण आपका अपनी वेशभूषा, अपनी कपड़े, अपने वो वृंदावन में विदेशों से आकर साड़ियां पहनकर और घूंघट लेकर वो परिक्रमा कर रहे हैं, धोती पहन के वो हरे कृष्ण कर रहे हैं, और हम फटी हुई जींस पहन के कूल बन रहे हैं। कूल, यू आर नॉट कूल, यू आर बिगेस्ट फूल। कट गया है तुम्हारा जड़ मूल, अब फांकोगे कुछ दिन में धूल ही धूल, छाती में गड़ेंगे सूल, बैठने को नहीं मिलेगी स्टूल, फिर से कोई आएंगे जैसे सकहुण पठान यवन फ्रांसीसी पुर्तगाली अंग्रेज मुगल, इन लोगों ने जैसे शासन किया ना, फिर कोई करने आ जाएगा हम पर तुम पर रूल। यू आर नॉट कूल माई डियर बिगेस्ट फूल। ये कपड़े पहन के कूल, आई एम कूल, आई एम लुकिंग कूल, बाल ऐसा बनाया है, ऐसे खड़ा, ऐसे ऐसा लगा 440 वोल्ट का करंट मार दिया, ऐसे बाल खड़ा है। ये क्या है? बोला स्पाइक, हम की स्पाइक, तार गाड़ ले उसमें,
कान चलो ये तो कुंडल है, ये है, एक ने जीब में खुदवा रखा था। ऐसे यहां क्या कर रहा है? बोला आई एम कूल। बोले कूल, ये कूलनेस? जींस फटी पहन के घूम रहा है, बोला ये तो बढ़िया है, वेंटिलेशन है। बोले हमारी धोती क्या खराब है फिर? हवाई हवाएं चारों तरफ से, हमारा परिधान तो देखो। तुम जींस ईंट से फाड़ फाड़ के पहन रहे हो, ईंट रगड़ रगड़ के, पागल? ये कूल, इन तुम्हारे ही बच्चे, हमारे बच्चे, तुमको भी शर्म नहीं आता? अपने बच्चों को अपने संस्कृति के प्रति जगा नहीं पाए, उनको परिधान राधा रानी की तरह और सखियों की तरह पहना नहीं पाए, जानकी अनसुईया की तरह उनको परिधान न दे पाए? अरे स्कूल में पढ़ना मजबूरी है, दो घंटे के लिए नकपोछवा टाई लगाकर वहां भेज देना, वापस आए तो अपने परिधानों में क्यों नहीं लगा देते? ये टाई इसलिए बनी थी कि वहां ज्यादा सर्दी होती थी, बार बार रुमाल अंग्रेज नहीं निकालते थे, इसलिए गले में बांध के रखे थे नाक पोछने के लिए। वो टाई लगा के जेंटलमैन बने हुए यहां पर, इनको टाई की उत्पत्ति के बारे में पता तक नहीं है कि टाई उत्पत्तन कैसे। तुम अपनी संस्कृति पर ये पैंट कोट शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत, लेकिन संस्कृति भीतर में जागृत रखो। और शिक्षा जब तक बदलेगी नहीं, मैं सत्य कहता हूं, सरकार अच्छी है, सरकार प्रयत्न कर रही है, भारत का भाग्य है। मैं तो बार बार कहता हूं, चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, अरे दल्ला ही कह दो तुम्हारे कहने से, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर वर्तमान भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री संत जैसी श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे इस राज्य में महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। महाराज आज भी अगर सनातन और हिंदुत्व का प्रकाश नहीं होगा तो कब होगा? ये भारत के लिए गरिमा का विषय है और बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है, इसलिए एक बार तो इस काशी में बनता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।